वायरस धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। किटी खदान में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने से परिसर में खलबली मची है। नागपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या कुल मिलाकर अब 59 पर पहुंच गई है। किटी खदान में कोरोना पॉजिटिव मिलने से किटी खदान चौक को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। शहर में कोरोना वायरस ने इस कदर अपने पांव पसार दिए हैं कि अब तक के उसने 58 लोगों को मौत की नींद सुला दी है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जो जानलेवा साबित हो रहा है, उसके बावजूद लोग इसे समझ ही नहीं रहे हैं। लोग अपने घरों में रहने के बजाय लोग बाहर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर और एक परिसर से दूसरे परिसर में जाने के लिए वाहनों का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। शहर की जो मुख्य सड़कें हैं वे पूरी तरह से बैरिकेडिंग अप कर दी गई है। मनपा की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से ये अच्छा एक कदम उठाते हुए अब पुलिस द्वारा और मनपा के कर्मियों द्वारा गिट्टी खदान चौक के उस परिसर में पूरी तरह से बैरिकेडिंग करने के लिए सामग्री आई हुई है। बांस बल्ली के जरिए यहाँ पे पूरी तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है। हम आपको बता दें कि ये वही परिसर है जिस परिसर में एक कोरोना पॉजिटिव का मरीज मिला था, जिसकी ट्रीटमेंट अभी भी जारी है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए लोगों से ये बार बार अपील कर रही है कि वे अपने घरों में रहे, लेकिन लोग हैं जो मान नहीं रहे। ऐसे में प्रशासन द्वारा अब पूरी तरह से सख्त हिदायत देते हुए गिट्टी खदान चौक का पूरा परिसर और चौक में बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसके चलते अब कोई भी वाहन इधर से उधर या उधर से इधर आवागमन नहीं कर सकता। बैरिकेडिंग करने से अब पूरा सन्नाटा सा छाया हुआ दिखाई देगा। इस समय में गिट्टी खदान परिसर में हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जैसे एक पॉजिटिव मरीज कोरोना का मिला, पुलिस में खलबली मच गई, लोगों में भी खलबली मच गई। ऐसे समय में पुलिस ने लोगों को घर से न निकलने की हिदायत दी, लेकिन लोग नहीं मान रहे। आखिरकार गिट्टी खदान की वही परिसर है, आप देख सकते हैं कि बल्ली बांस पूरी तरह से आ चुका है और तमाम गिट्टी खदान के जितने रोड है उनको अभी लॉकडाउन किया जा रहा है, सील किया जा रहा है। अभी ये थोड़ी देर के बाद ये जो यातायात जो शुरू है वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा बाल जो बांस और बल्ली है वो आ चुका है वो माल। अब देखिए कि वहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग होगा, बैरिकेडिंग होते ही ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक का जमावड़ा लगा है, ऐसे लोगों में फिर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बार बार हिदायत दे रही है लेकिन लोग नहीं मान रहे। आखिरकार लोगों को मनाने के लिए ही इस प्रकार के बैरिकेडिंग की जा रही है। और गिट्टी खदान में पूरी तरह से लॉकडाउन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गिट्टी खदान चौक से कैमरा पर्सन राजकुमार माहौर के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज।